ओम शांति दीदी, आज बाबा ने कहा कि सभी तो राजा रानी नहीं बनेंगे, क्योंकि कई बच्चे अपने कर्मों अनुसार इतना धारण नहीं कर सकते। देखो, अगर अच्छे कर्म किए हैं तो उसका फल आगे जरूर मिलता है। बाप कहते हैं, मैं कर्म अकर्म विक्रम की गति को जानता हूँ और समझाता हूँ। टीचर तो सभी को एक जैसा ही पढ़ाते हैं। फिर कोई अच्छे नंबर से पास होते हैं, कोई ना पास होते हैं, कहेंगे क्या करे, कर्मों का ऐसा ही हिसाब किताब है जो हम पढ़ते ही नहीं। यहाँ भी ऐसा है, कोई तो अच्छा पढ़ते हैं, कोई तो पढ़ाई अथवा कॉलेज को ही छोड़ देते हैं। कॉलेज छोड़ा गोया बाप टीचर सदगुरु को छोड़ा। छोड़ने से छोरा बन जाते हैं। छोरा उनको कहा जाता है जिनके माँ बाप नहीं होते हैं। तो मात पिता जिनसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है उनको छोड़ा तो छोरा छोरी बन जाते हैं। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।